ठीक है, आदमी मशीन की तरह काम नहीं कर सकता, ये हमको सबको पता है। ठीक है, तो कुछ बच्चे पूरे दिन जैसे मेहनत करते हैं, फिर उसके बाद वो बोलेंगे रिक्रिएशन के लिए या ब्रेक लेने के लिए एक आध घंटे कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करेंगे, तो उसमें आई वुड सजेस्ट कि कभी भी सोशल मीडिया पे ना जाए। ठीक है, अगर हमें अपना माइंड को फ्रेश करना है तो आई वुड से बेस्ट थिंग इज कि एक वॉक करो, ये ठीक है, आधे घंटे घूम के आ जाओ। उससे क्या होगा, तुम्हारी बॉडी भी थोड़ा अच्छा फील करेगा, हैंस तुम्हारा माइंड भी अच्छा फील करेगा। सोशल मीडिया के लिए मैं क्यों मना कर रहा हूं कि भले ही हम सोशल मीडिया पे आधा घंटा या एक घंटा इन्वेस्ट करें या वेस्ट करें, जो भी उसको बोलना चाहते हो, मेरे को तो लगता है कि एक घंटा ही तो मैंने देखा है, तो क्या बड़ी बात है, मैं पूरे 10 घंटे पढ़ता भी तो हूं। तो वो जो चीजें तुमने सोशल मीडिया पे देखा, स्पेशली जो भी तुम्हारा लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ, हमारे दिमाग में पीछे पीछे चलता रहता है, तो ये हमारा फर्दर और टाइम भी वेस्ट करता है। पढ़ते समय मेरे को उसी चीज के ख्याल आते रहते हैं, तो वो तुम्हारी एफिशिएंसी पढ़ाई में नीचे ले आता है। तो आई वुड से कि अगर तुम जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो 1-1.5 साल के लिए इन सब बीमारियों से दूर रहो, उसके बाद तुम जितना करना चाहते हो कर सकते हो। क्योंकि ये अगर मैंने एक घंटा दिया है, मानिए फेसबुक पे मैंने एक घंटा दिया है या फिर गेम खेलने पे मैंने एक घंटा दिया है, तो उस एक घंटे का जो और इफेक्ट है, जो पढ़ते समय मेरे को डिस्टर्ब करता है, ये ठीक है नोइंगली और अननोइंगली, वो बहुत बड़ा है। वो शायद मेरे 4-5 घंटे एक दिन के वेस्ट कर रहा है, क्योंकि मैं उसी चीज में अननोइंगली भी सोच रहा हूं। तो आई वुड से कि ऐसा ना करें। और अगर मेरे को रिक्रिएशन करना, तो ठीक है सॉन्ग सुन सकते हैं, बट आई वुड से कि हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, क्योंकि उससे तुम्हारा ब्रेन भी फ्रेश फील करेगा बाकी दिन पढ़ने के लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे पॉजिटिव, स्टे ऑसम।